हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 और 17 ये जो समय है ये चंद्रमा के प्रभाव से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि हर ग्रह से प्रभावित है, परंतु चंद्रमा इस समय जो स्थिति बनाने जा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा इस समय 16 तारीख की सुबह 3:15 बजे यानी कि 15 की रात्रि होगी, ये गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं वृषभ राशि में, और यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी होंगे जो कि बड़ा ही दिव्य गज केसरी योग बनेगा। और इसमें और एक मजबूती और भी है, प्लस पॉइंट है कि चंद्रमा को पक्ष बल भी प्राप्त हो जाएगा, पर यहाँ पर थोड़ी कमजोरी भी है कि केतु, सूर्य और बुध की दृष्टि भी है, इनका सबका क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। और चंद्रमा का परिवर्तन देखिए, योग तो कई बार बन जाते हैं अलग अलग स्थितियों में, परंतु ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। जीवन में कई बार थोड़ा समय, जैसे ये भी ध्यान रखिए कि 16 तारीख तो योग प्रारंभ हो चुका है, परंतु 17 तारीख की रात्रि और 18 तारीख की सुबह यानी कि 4 बजे 12 बजे के बाद जब 4 बजेगा वो समय रात्रि का, 18 तारीख की सुबह होगी, तो इस समय तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेगा। ये वीडियो थोड़ा समय के अभाव से लेट प्राप्त हो रही है, तो ज़्यादा से शेयर करिएगा जिससे सभी को प्राप्त होती रहे। लाइक भी करिएगा, क्योंकि जब लाइक आप करते हैं ना तो यूट्यूब बाबा और भी ज़्यादा लोगों तक इसे भेजता है, जिससे जल्दी से लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि समय तो थोड़ा लेट ही हो गया है। इसमें ये जो समय है ना कहीं आपके जीवन में यदि आप कर्ज से, लोन से परेशान हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकालने के लिए रास्ता देगा। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ देखिए इसमें क्या होता है ना कई बार कि हम इसी बात से परेशान होते हैं कि भाई कर्ज उतारना तो ठीक है ही है, पर उतारे कैसे। मेन पॉइंट यही है कि रास्ता मिलना चाहिए, तो इसमें कोई ना कोई आपको रास्ता मिल सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में भले कितने शत्रु हो, शत्रु बाधा हो, इस समय वो चीजें शांत हो जाएंगी और आपकी विजय होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मुश्किल की बात है, क्योंकि जीवन में देखिए क्या हुआ करता है ना कि आप सब कुछ प्राप्त कर लें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ देखा हूँ जीवन में, उन्होंने और मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जीवन में जब अभी अवस्था होती है तो लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाना ही चाहिए पैसा, क्योंकि ये कलयुग है भाई, कलयुग में बिना पैसे के काम होता नहीं, तो पैसा चाहिए। परंतु उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही मार्ग से पैसा कमाएं और साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि लोग पहले खूब मेहनत करके पैसा तो कमाते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते। परंतु जब अवस्था धीरे धीरे बढ़ती है और लास्ट में लगता है कि अरे हमने अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान दिया ही नहीं, अब हमारे पास पैसा तो खूब हो चुका, हम कमा चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य नहीं, इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। और आप इस समय ये भी देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में कुछ लाभ मिलेगा, अचानक कुछ परिवर्तन होगा जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आप यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी वाहन चला रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। और जब अचानक स्थितियां बनती हैं तो कई बार हम घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, सावधानी के साथ में उस स्थिति का कैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप घबराएंगे, चिंतित होंगे, इससे आपको लाभ नहीं नुकसान हो सकता है। रही बात की जो लोग विदेश में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, उनके लिए ये समय कहीं ना कहीं सहयोग करने वाला, यानी कि आप
जब रह रहे हैं वहाँ पर कई तरह की समस्याएं बनती हैं, आप लोगों को पता ही है क्योंकि चर्चा की जाए तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। तो उन समस्याओं में कहीं ना कहीं ये समय सहयोग देने वाला होगा जिससे समस्याएं दूर होंगी। तो ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, परंतु सावधानियां भी होंगी, यानी कि कहा जाए कि 50-50 स्थिति है। और उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, प्रयास करिए कि आपके यदि आसपास कहीं मंदिर हो तो वहां पर जाके आराधना करिए, और हल्दी का तिलक थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिए, या तो पीला चंदन हो या केसर हो, तो ये करिए। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, गुरुजनों का, माता पिता का। जीवन में ये अपने नियम बना लीजिए कि तय कुछ भी हो जाए, कई बार भ्रम की स्थिति होती है, मैं यहाँ विस्तार में नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वैसे भी लेट प्राप्त हो रही है। तो सेवा खूब करिए, बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का, इससे कल्याण होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ समर्पण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।